बचे हुए हैं उनको हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें इतनी फिक्र है कि यहाँ से मैं रोड तक जाऊँ, क्या वो हमारे नेता जो उनको मैंने बनाया, वो जो आज इस मधेपुरा जिला से कुमारखंड प्रखंड से जो दो दो सांसद मेरे पास अभी है, आज इस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं, जिस ब्लॉक में दो सांसद हो उस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। दोषी की बात है तो जिस रोज वहाँ पे काउंटिंग हुआ तो आज तक ये हमारे संविधान के किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि जब तक वहाँ पर कैंडिडेट ना रहे तो सील तोड़ा जाए, लेकिन ये रूल इतिहास के पहली बार इतिहास में हुआ है कि जब कैंडिडेट वहाँ नहीं थे उनसे पूर्व ही सील मतलब टूटा हुआ था। ये कहना है कि आपके कैंडिडेट अशोक मेहता के पहुंचने से पहले सील टूटा हुआ था ईवीएम का, ये कहना है आपका। चलिए और लोगों से मुलाकात करते हैं, और लोगों से अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की संख्या की बात करें तो सैकड़ों की संख्या है यहाँ पर, मगर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबके हाथ में जो बैनर है वो अलग अलग बैनर है। अलग अलग बैनर की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा था जिला प्रशासन है, उसी दूसरी तरफ की अगर हम बात करें कुमारखंड ब्लॉक, कुमारखंड के विकास पदाधिकारी की अगर हम बात करें, वीडीओ तेरा तानाशाही नहीं चलेगा। मतलब अब क्या मनमानी है, अब क्या तानाशाही है, जरा सा जान लें इनसे। मगर सबसे बड़ी बात है ठंडी, अब की अभी के मौसम में ठंडी जैसे मौसम में, और अगर तपस्या की बात करें या एडवर्टाइज की बात करें या किसी भी अन्यथा चीज की बात करें, जिस तरह से अभी हमारा टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 29, 26, 24 इस तरह से ठंडी का मौसम है और काफी कुहासा भी गिर रहा है, मगर उस ठंडी में महिला से लेकर के बच्चे तक लगभग सैकड़ों के संख्या में यहाँ पर ब्लॉक कैंपस, बगल में बीडीओ साहब का चैम्बर है उसके जस्ट सामने में लोगों यहाँ पर जिस तरह से इसराइन बेला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के साथ अशोक मेहता जी के साथ सैकड़ों समर्थक उनके यहाँ पर कैंडल जला करके ये लगा रहे हैं कि बीडीओ तेरा तानाशाही नहीं चलेगा। क्या क्या रीजन है जरा बताइए, तानाशाही नहीं चलेगा क्या हो गया? देखिए सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, बिहार का जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, आज सबों के हाथ में आज ये देख ले कैंडल है, आज हम लोग 21 पंचायत के इस ब्लॉक में बैठे हुए हैं, लेकिन लाइट की समस्या जो देखिए कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते आ रहे हैं कि मैं घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया हूं, लेकिन उन्होंने कुमारखंड प्रखंड के इस प्लेग्राउंड में तक में ही एक बिजली की व्यवस्था नहीं है। और रही बात वीडियो तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, वीडियो के समक्ष में ईवीएम और कैंडिडेट के समक्ष में ईवीएम खुलना चाहिए, मशीन खुलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ईवीएम मशीन टेबल पर लगा हुआ था, जब उस समय पहुंचा गया तो कहा गया कि ऐसा ही पहले से ऐसा व्यवस्था होता है, लेकिन कानून की ऐसी कोई किताब नहीं है जिस किताब में ऐसा व्यवस्था है कि कैंडिडेट और एजेंट के और सामने होकर के उस बॉक्स पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इससे पहले आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि वीडियो के पास कोई लिखित नहीं था, मैंने एसडीओ के पास परमिशन लेकर के जब वीडियो के पास गया तो वीडियो ने कहा कि मैं ये परमिशन नहीं लूंगा। क्या मैं आम अधिकार, आम आदमी का अधिकार नहीं होता कि वो धरना प्रदर्शन कर सके, हमारी मांग पूरी नहीं हो सके? जब तक हमारी मांग सिर्फ एक है कि जो चुनाव प्रक्रिया में 13 तारीख को जो टीपी कॉलेज में चुनाव हुआ उस समय जो सीसीटीवी कैमरा जो वर्तमान में चल रहा था उस समय का हम लोगों को रिकॉर्डिंग दिखलाया जाए। वीडियो साहब का कहना है कि जिस समय गिनती हो रहा था उस समय आपकी नजरों के सामने ईवीएम बॉक्स को खोला गया, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि ईवीएम मशीन पहले से खोल करके रखा हुआ था, उसमें छेड़छाड़ की गई है। अगर ये सत्य नहीं हुई, रिकॉर्डिंग दिखलाया जाए, अगर ये सत्य नहीं होगी तो जो कानून प्रक्रिया के तहत जो हमें जुर्माना मिले या हमें सजा मिले वो भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कैंडल मार्च लेकर के हम लोग यहाँ पर ब्लॉक में बैठे हुए हैं, कल 10 बजे से बैठे, अभी तक न कोई प्रशासन आया है न कोई मेडिकल टीम आई है। सबसे बड़ी बात है अगर हम बात करें यहाँ की व्यवस्था की हम बात करें और कुमारखंड प्रशासन की बात करें, मधेपुरा प्रशासन की बात करें तो 35 घंटा से ज्यादा, हालांकि इससे पहले 24 घंटा पहले हमारा खबर भी लगा है और बहुत सारे
पदाधिकारी का फोन भी आया हुआ है कि मैटर क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को खुद से ट्वीट किया हूँ, और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी सुने थे कि जाप सुप्रीमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनता सबसे सर्वोपरि होता है, जनता सबों का मालिक है। अगर हम सभी चाहें तो मैं प्रधानमंत्री का भी तख्ता हिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हम सबों में संगठन होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि इससे कुछ देर पहले माननीय सांसद पूर्व पप्पू यादव हमारे बीच आने वाले थे, लेकिन उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर जितने भी जनता जनार्दन बैठे हुए हैं वो सभी रोड पर चले जाएं। यहाँ पर इतने सारे जनता बैठे हुए हैं, उनको हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें इतनी फिक्र है कि यहाँ से मैं रोड तक जाऊँ, क्या वो हमारे नेता जो उनको मैंने बनाया, वो जो आज इस मधेपुरा जिला से कुमारखंड प्रखंड से जो दो दो सांसद मेरे पास अभी है, आज इस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस ब्लॉक में दो सांसद हो उस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं तमाम सोशल मीडिया की तरफ से कहना चाहूंगा, और ये कैंडल दिखाकर मैं विरोध करता हूं, नीतीश कुमार को मैं पलटवार करता हूं, अगर वो हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया तो उसके ब्लॉक में कहां है बिजली। और रही सांसद जी की बात, तो सांसद जी को खुद हम लोगों के बीच आने पहले माननीय सांसद पूर्व पप्पू यादव हमारे बीच आने वाले थे, लेकिन उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर जितने भी जनता जनार्दन बैठे हुए हैं वो सभी रोड पर चले जाएं। यहाँ पर इतने सारे जनता बैठे हुए हैं, उनको हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें इतनी फिक्र है कि यहाँ से मैं रोड तक जाऊँ, क्या वो हमारे नेता जो उनको मैंने बनाया, वो जो आज इस मधेपुरा जिला से कुमारखंड प्रखंड से जो दो दो सांसद मेरे पास अभी है, आज इस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस ब्लॉक में दो सांसद हो उस ब्लॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं तमाम सोशल मीडिया की तरफ से कहना चाहूंगा, और ये कैंडल दिखाकर मैं विरोध करता हूं, नीतीश कुमार को मैं पलटवार करता हूं, अगर वो हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया तो उसके ब्लॉक में कहां है बिजली। और रही सांसद जी की बात, तो सांसद जी को खुद हम लोगों के बीच आना चाहिए, हमारी समस्या समझनी चाहिए, हम लोगों को कष्ट क्या है। अगर मैं गलत धरना प्रदर्शन पर बैठा हूं वो मुझे समझाने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सिर्फ गेट के पास से आए और गेट के पास से चले गए, हम लोगों के बीच नहीं आए। इसमें भी कोई साजिश लग रही है? हाँ, हो सकता है कि इसमें मिली भगत हो सकती है, ऐसा कोई कहने की बात नहीं। जब यहाँ नहीं पहुंचा, जब हम लोगों को खबर मिला कि आप लोग वहाँ पर बैठे रहिए, मैं आने वाला हूँ, जब यहाँ पर तमाम हमारे जितने भी इस रणबेला पंचायत के जनता गण बैठे हुए हैं, वो अपना हिसाब मांग रहा है कि हम लोगों ने जो वोट किया वो वोट मेरा गया कहाँ। क्या लगता है, अगर सांसद जी आ जाते तो इंसाफ मिल जाता? ऐसा कोई बात नहीं कि सांसद जी आ जाते तो इंसाफ मिल जाता। मैंने बहुत सारे ऐसे धरना प्रदर्शन को देखा, कितनों नेता आए, कुछ आए, उससे कुछ होता जो जाता कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने जो है कि मेरा जो संकल्प है, मैं अपने संकल्प यहाँ पर डिग रहूंगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो मैं कल यहाँ पर, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कल तक में कोई भी प्रशासन या कोई भी मुहैया यहाँ नहीं हुई तो कल अब आत्महत्या से कल स्टार्ट होगी, यहाँ पर आत्महत्या किया जाएगा यहाँ पर। एक चीज और मैं एक रिपोर्ट और मिला है कि जैसे आपके जो मुखिया जी प्रत्याशी मुखिया जी अशोक मेहरा जी थे, वो शुगर पेशेंट है। जी सही बात है, 35 घंटा से भूखे हैं। एक शुगर पेशेंट की अगर बात करें, अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल रिपोर्ट का ये अनुसार है कि एक शुगर पेशेंट 6 घंटे ज्यादा भूखा नहीं रहते, नहीं तो उनको हार्ट अटैक किसी टाइम भी आ सकता है। अगर इस बीच में कोई भी समस्या आ गया, कोई भी घटना हो गया, किसको जिम्मेदारी दीजिएगा? वीडियो साहब इसका जिम्मेदारी बनेगा, जो चुनाव आयोग जो आरओ है वीडियो साहब, और जिला प्रशासन जो हमारे डीएम साहब है, इनका जो है कि जो भी कुछ होगी, इनकी सारी समस्याएं का जो भी उत्पन्न पैदा होगी वो सब इन्हीं लोगों के ऊपर जाएगा। 35 घंटा हो गया है भूख हड़ताल पर, अभी तक कोई प्रशासन और ब्लॉक के कोई बड़े पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, चाहे सीओ साहब, बीडीओ साहब और जिस तरह के प्रतिनिधि बोले जाते हैं, अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या आपको जरूरत है और किस चीज की जरूरत है। और ऊपर से आरोप लगाया ये जा रहा है कि अवैध रूप से आप लोग धरना दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की, हमारे ब्लॉक के प्रशासन ये जा रहा है कि अवैध रूप से आप लोग धरना दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की, हमारे ब्लॉक के प्रशासन की, कुमारखंड प्रशासन की धांधली है। तो बड़े हाल और भी लोग हैं, उन लोगों से ही बात कर लें कि आखिर रात के 11 बजे जागना और कैंडल जला करके लोगों के बीच, सैकड़ों लोगों के बीच एक आवाज को उठाना, आखिर क्या रीजन है? कहीं ना कहीं समस्या बड़ा है, समस्या अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। अगर बात करें बिहार सरकार की, माननीय नीतीश कुमार की, एक तरफ ये वादा करते हैं कि हर पंचायत के अंदर स्ट्रीट लाइट, जिसको हम लोग वेपर लाइट बोलते हैं, वेपर लाइट देने का वादा करते हैं, मगर एक खासियत और एक चीज दिखा दूं, जब सरकार का घर, मतलब विकास पद अधिकारी का घर, ये चैम्बर है, ये देखिए चैम्बर, जरा देख लीजिए, ये चैम्बर है,
ये चैम्बर देख लीजिए, ये चैम्बर का जब ये हाल है और आगे का क्या हल होगा ये मुश्किल है। अगर कुमारखंड की बात करें, कुमारखंड ब्लॉक की बात करें, तो सामूहिक एक भी शौचालय नजर नहीं आएगा आपको और एक भी चापाकल नजर नहीं आएगा। इसलिए कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारी भी इनमें शामिल है और ऊपर से लेके नीचे तक चलता क्या है पीसी। अगर हम जैसे पत्रकार खबर लगा देते हैं, न्यूज चला देते हैं, तो पता है क्या चलता है, देसी कट्टा चलता है। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल के जमाने में छोटी सी बात है। आए दिन पत्रकारों पर अत्याचार हो जाता है, आए दिन जिला परिषद को मार दिया जाता है, आए दिन मुखिया पे गोली चल जाती है। बड़े हाल हमारा था मुद्दा कि आज अशोक मेहता जी के साथ लगभग सैकड़ों लोग हैं और उनके समर्थक हैं। इसराइन बेला की बात करें तो मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड की अगर बात करें तो 21 पंचायत में से एक पंचायत है जो इसराइन बेला के मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार थे। और इनका आरोप है कि हमारे अंदर जाने से पहले ईवीएम का सील तोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और हम मधेपुरा प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जांच होनी चाहिए इस पे। कहीं ना कहीं अगर जांच हो जाए तो ना जाने कितने लोगों का पोल खुल जाएगा। अगर पोल खुल गया तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो आप देखते रहिएगा हमारे साथ और हम दिखाते रहेंगे हर खबर अपडेट तो आप देखते रहिए पीडी न्यूज दबी जुआ की रास्ता में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज के साथ शाहिद की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मधेपुरा।